हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MND क्लासेस। गाइस, आज का टॉपिक है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से जितने भी रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर रहेगा, वो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। गाइस, अगर यदि अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भीली आर प्रेजेंट इन। हाँ, भीली कहाँ प्रेजेंट रहता है? तो हमारा ऑप्शन है पहला हार्ट, बी लीवर, सी पेनक्रियास एंड लास्ट है हमारा डी। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि भीली होता क्या है। तो भीली एक स्ट्रक्चर है जो हमारे फिंगर शेप में रहती है, वो छोटी आंत में रहती है, ठीक है। वो पचे हुए भोजन को क्या करती है, एब्जॉर्ब में हेल्प करती है। तो ये भीली हमारा कहाँ पे पाया जाएगा? तो हमारे पास तो ऑप्शन था हार्ट, लीवर, पेनक्रियास, इलियम। हमारा सही आंसर हो जाएगा इलियम, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो इसमें क्या दे रहा है? पाचन तंत्र जो होता है, पाचन तंत्र ये कहाँ पे कंसिस्ट होता है? तो हमारे पास ऑप्शन है ए एलिमेंट्री कैनाल, बी टू डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सी लंग्स एंड लास्ट हमारा डी ए एंड बी। तो हमारा सही आंसर है डी ए एंड बी, मतलब हमारा एलिमेंट्री कैनाल भी होगा और टू डाइजेस्टिव ग्लैंड भी होगा, मतलब ये हमारा बोथ दोनों ही प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स इन द ब्लड। तो इसमें क्या बोल रहा है, मतलब इसमें मेरा कितना, ये जो हमारा ऑप्शन है ट्रैप्सिन, एमलेज, हेमोग्लोबिन, लिपेज, तो इसमें जो है किस में हमारा ब्लड प्रेजेंट रहेगा, इसमें इसका कंटेंट्स क्या रहेगा? तो हमारा ऑप्शन है, देखते हैं, ए में है हमारा ट्रैप्सिन, बी एमलेज, सी हीमोग्लोबिन एंड लास्ट डी है हमारा लिपेज। हमारा सही आंसर है सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट। तो ऑप्शन है हमारा ए माउथ, बी स्टोमिक, सी इंटेस्टाइन एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा डी ऑल ऑफ द एवब। इसमें क्या है, हमारा पाचन तंत्र जो होता है हमारा किस, मतलब ये मिलकर बना हुआ रहता है, किस ऑप्शन से हमारा ये मिलके बना हुआ रहता है? तो ऑप्शन तो हमारे सामने है, तो चूज हम लोग को करना है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द एवब, दैट्स मीन माउथ, स्टोमेक, इंटेस्टाइन, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सारा कंसिस्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो एंजाइम्स। हमारा ऑप्शन है ए बाइल, बी पेनक्रियाटिक जूस, सी गैस्ट्रिक जूस एंड लास्ट है हमारा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एवब। तो इसमें क्या कह रहा है, जो एंजाइम है हमारा, हाँ किस में नहीं प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, किस में प्रेजेंट नहीं रहेगा? तो हमारा सही आंसर है ए बाइल में ये कोई एंजाइम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स। मतलब क्या है हमारा, ये जो हमारा ऑप्शन है प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है, तो कौन करेगा? तो ऑप्शन है हमारे पास ए लिपेज, बी एमलेज,
सी पेप्सिन एंड लास्ट है हमारा डी ट्रैप्सिन। तो हमारा सही आंसर है पेप्सिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स एंजाइम्स टू डाइजेस्टिव फूड। तो इसमें क्या है कि हमारा जो ये ऑप्शन है, हाँ, हमारे भोजन को पचाने में कौन सी एंजाइम हेल्प करेगी। तो हमारे पास ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी म्यूसिन, सी इंसुलिन एंड लास्ट है हमारा डी ऑल ऑफ द एवब। तो हमारा सही आंसर है ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस दैट कंटेंस। हमारा ऑप्शन है पेप्सी, मिशी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड लास्ट है हमारा डी ऑल ऑफ द एवब। इसमें क्या कह रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो है गैस्ट्रिक जूस होता है, किसमें होगा। तो हमारा सही आंसर है डी, मतलब कि सारे में पाया जाएगा, पेप्सिन में, मशीन में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, ऑल ऑफ द एबव। हाँ, मतलब सारे में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एक्सपोर्ट पार्ट ऑफ द टूथ क्राउन इज कवर्ड बाय। तो इसमें क्या कह रहा है, जो ये हमारा टूथ है, हाँ, तो टूथ का हिस्सा जो होता है, हाँ, पार्ट जो होता है, उसको कवर कौन किया हुआ रहता है। तो हमारे पास ऑप्शन है ए तुम्हारे पास ऑप्शन है ए में स्नेक इनेमल, बी है प्लाज्मा, सी है बाइल एंड लास्ट है हमारा डी टेस्टी बर्ड्स। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ए सीनी इनमल। अब हमारे पास क्वेश्चन है, द पल्प कैविटी विच इज लोकेटेड इनसाइड द टूथ इज फिलर विथ। इसमें क्या बोल रहा है, जो हमारा टीथ होगा, दांत जो होगा, उसके अंदर स्थित जो होगा, मतलब वो जो हमारा गुहा होता है, कैविटी जो होगा, हाँ, लुगदी टाइप से जो रहेगा, तो वो भरा हुआ होता है, किस चीज़ से भरा हुआ रहता है। तो वो हमारा ऑप्शन है ए ब्लड वेसल्स, बी नर्व फाइबर्स, सी सलाइवरी ग्लैंड्स एंड लास्ट है हमारा डी ए एंड बी। तो हमारा सही आंसर है डी ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द चिल्ड्रेन विल हैव ओनली। तो ऑप्शन है हमारा ए 30 टीथ, बी 28 टीथ, सी 25 टीथ और लास्ट है हमारा ऑप्शन डी 20 टीथ। तो इसमें क्या है, बच्चों के पास जो होती है कितनी टीथ होगी। तो सही आंसर होगा हमारा डी 20 टीथ। अब हम लोग देखेंगे स्टोमिक कंटेंस ए टीनी ग्लैंड्स कॉल्ड। ऑप्शन है ए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, बी पिट्यूटरी ग्लैंड्स, सी थायराइड ग्लैंड्स एंड लास्ट है हमारा डी सलाइवरी ग्लैंड्स। तो इसमें क्या बोल रहा है कि स्टमक जो होती है, हाँ, ये एक छोटी ग्रंथि होती है जिसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड्स है एंड लास्ट हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स। तो हमारा सही आंसर है
गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोमक ओपन इन टू। ऑप्शन है ए लार्ज इंटेस्टाइन, बी स्मॉल इंटेस्टाइन, सी कोलोन एंड लास्ट है डी सीकम। तो क्या है इसमें, स्टोमक जो है हमारा खुल जाता है कब? तो ये हमारा ऑप्शन जो है आप लोग देख ही लिए हैं कि कौन कौन सा हमारा ऑप्शन है, तो इसमें हमारा सही आंसर होगा बी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम लोग देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस सलाइवा। ऑप्शन है म्यूशिन, थायराइड, पिटेलाइन एंड लास्ट है ए एंड सी। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें जो है हमारा किसमें सबसे ज़्यादा लार होगी, तो इसमें ऑप्शन तो हमारा मायोसिन, थायराइड, पिटेलाइन एंड सारा है, तो हमारा सही आंसर होगा डी ए एंड सी, दैट मीन्स मायोसिन एंड पिटेलाइन। हमारे पास फिर क्वेश्चन आ गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेट सलाइवा। तो हमारे पास ऑप्शन है सलाइवरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, पेनक्रियास, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो हमारा क्वेश्चन ये है हाँ कि ये जो हमारा लार्ग है मतलब सेक्रेट, ये जो सलाइवा है हमारा हाँ किससे सेक्रेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है जो हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा सलाइवरी ग्लैंड्स। यहाँ से हमारा क्या होगा, ये सेक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पेनक्रियास। ऑप्शन है हमारा ए इट लाइज बिलो द स्टमक, बी इट इज लेफ्ट शिफ्ट एंड सी इट हैज सेवरल लोब्स एंड लास्ट डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारा पेनक्रियास है हाँ तो वो किसमें सही है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो ऑप्शन है इट लाइज बिलो द स्टमक, इट इज लीफ शेप्ड एंड इट हैज सेवरल लोब्स, यानी कि हमारे लिए डी ऑप्शन सही है, मतलब ये तो हमारा सारा यूज होता है एंड लास्ट है हमारा फ्रॉम द गॉल ब्लैडर बाइल इज रिलीज्ड इन टू। तो इसमें है हमारा ऑप्शन है सीकम, बी है कोलोन, सी है इलियम, डी है ड्यूडेनम। मतलब ये है हमारा कि पेन जो हमारा गॉल ब्लैडर है ठीक है, ये जो है हमारा रिलीज्ड होता है हाँ, तो किसके लिए कहाँ पे हमारा रिलीज्ड होगा हाँ, तो है सीकम है कोलोन है इलियम है ड्यूडेनम है, तो हमारा सही आंसर होगा ड्यूडेनम। थैंक यू गैस, आप लोग हमारे चैनल को देखकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। गाइस हमारा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर डालिएगा कि हमने कैसा वीडियो बनाया है, और आप लोग को नेक्स्ट हमारा कैसा क्वेश्चंस चाहिए वो भी आप लोग कमेंट्स बॉक्स में हम लोग को डाल सकते हैं, और फिर आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय।